नमस्कार, आप देख रहे हैं ई पेपर इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। डीसी ऑफिस से बुधवार की सुबह मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। यह जागरूकता रैली बुधवार से सुबह हो रहे फोटो युक्त मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान को लेकर निकाली गई है। रैली में एडीएम एनके लाल, एसडीओ पीयूष सिन्हा और जिला उप निर्वाचन अधिकारी के अलावा अन्य अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहे। मतदाता जागरूकता रैली सुबह 7:30 बजे डीसी ऑफिस से निकाली। मेन पर्पस अवेयरनेस जनरेट करना है, ठीक है। और अभी जो स्पेशल समरी रिवीजन चल रहा है, इसमें आज से मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन हो रहा है, उसके बारे में अवेयरनेस जनरेट करना है, यही इसका मेन पर्पस है। ये हम लोग स्वीप के अंतर्गत करते हैं। एक साल मतदाता सूची का प्रकाशन होता है, समरी रिवीजन करते हैं, इस पर स्पेशल समरी रिवीजन होगा। आज से शुरू होता है, 9 तारीख से हम लोग शुरू करते हैं प्रारूप प्रकाशन करते हुए। अगला मतलब 12 दिसंबर तक चलेगा। और ये है कि यंग मतदाता जो होते हैं, जो 18 वर्ष के होंगे, 1/1/2023 को, उन सभी का हम लोग मतदाता सूची में नाम जोड़ेंगे। और यंग मतदाता को आकर्षित करने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत हम लोग इस तरह से जितने भी PRO हैं, हम लोग आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस फ्लैग मार्च में, ताकि लोगों के अधिक से अधिक जागरूकता हो और लोग अधिक से अधिक अपने मतदाता सूची में नाम दर्ज कराएं, प्रविष्ट कराएं, और इस तरह से एक शुद्ध मतदाता सूची बने। साथ साथ जो मरे हुए मतदाताओं को हटाना है, डिलीट भी करना है फॉर्म 7 डाल करके। साथ ही साथ हम लोग आधार कलेक्शन भी कर रहे हैं 6B में, वो भी कार्यक्रम हम लोग आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम किए हैं। और एक सिंबलिक ढंग से हम लोग फ्लैग मार्च कर रहे हैं, ताकि लोगों पे एक अवेयरनेस आए, लोग समझे कि हम एक नागरिक बनने के लिए क्या फ़ायदे होते हैं और नागरिक कैसे बना जाता है, इन सारी चीज़ों को बताने के लिए इस तरह के फ्लैग मार्च। ई पेपर इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ई पेपर इंडिया।